आज हम एक्सप्रेशन एडिटर के थ्रू ही स्टेयरिंग्स करते हैं। मान लो हमारे पास दो टायर्स हैं, मैं चाहता हूँ इस स्टेयरिंग को घुमाए तो दोनों टायर भी घूमे। तो पहले तीनों को फ्रिज कर देना, फ्रिज फॉर इनिशियल वैल्यू। मैं चाहता हूँ ये 45 और -45 से ज़्यादा रोटेट ना हो, वाई एक्सिस में रोटेट वाई में। तो लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 45 टू -45 हो गया। देन शॉर्ट नेम दे देते हैं लाइक एस T1 एंड T2 ओपन एक्सप्रेशन एडिटर, टाइप एक्सप्रेशन T1.rotate y इक्वल टू S.rotate y। अब देखते हैं, देखो ये टायर रोटेट हो रहा है, तो इसी एक्सप्रेशन को कॉपी करके T2 कर दो तो दोनों टायर इकट्ठे रोटेट होने चालू हो जाएंगे। एनी डाउट्स? ये हो गया स्टीयरिंग्स। अब करते हैं हम, एक बॉक्स लगा देते टायर के ऊपर, फ्रिज कर दो इसको भी और टायरों की कॉपी। टायर पिंक है इसका मतलब कि ये बाइंड है। देखो फोर प्रेस करने पे पिंक आ रहे, मतलब ये आपस में रिलेशन में है। तो आप इसको रोटेट करोगे तो वो जो बाइंड अप है अभी भी चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स आगे बढ़ाऊँ जेड एक्सिस में, तो टायर भी रोटेट हो एक्स एक्सिस में। तो इसे नाम दो बॉक्स, अब हमें एक और एक्सप्रेशन लिखना है। अब हमें इसके ट्रांसलेट जेड को इसको रोटेट एक्स के साथ लिखना है, तो लिखो T1.rotate T1.rotate एक्स का ना इक्वल टू जेड का बॉक्स डॉट रोटेट। एक्स ही था, जेड ट्रांसलेट था। अब देखो टायर रोटेट हो रहा है और बॉक्स को ले आने पे वो ठीक हो रहा, आगे होना चाहिए, बट स्पीड कम है तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। और टायर ना साथ जाने चाहिए, तो चारों टायरों को सेलेक्ट करना, आफ्टर दैट बॉक्स को सेलेक्ट करना, प्रेस पी, पी फॉर पेरेंट। अब वो उसके चाइल्ड हो गए, अब साथ जाएगा। देखो बॉक्स आगे बढ़ रहा है तो टायर भी आगे बढ़ रहा है,
थोड़ी स्पीड और बढ़ा दो, समझ आ रहा है? अब यही लाइनों को चार बार लिख दोगे तो चारों टायर चल पड़ेंगे बिना पेट्रोल के। चल रहे हैं? स्टेयरिंग को इसका चाइल्ड बना दो और यहां पे ये रोटेट भी हो सकता है, समझ आया? तो क्या करो, आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। हम नेक्स्ट सेशन में एक हमारी मॉडल की भी कार उठाएंगे, उसके टायर्स, उसका स्टेयरिंग, उसके वाइपर्स, डोर्स सब रिक कर देंगे इसी सेम टेक्निक से, ठीक है? तो ये बेसिक था, इस बेसिक को क्लियर करो।